हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ मैं आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता ही है, मेरे चैनल पर एक मोबाइल एप्लीकेशन की हम एक सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम एक मोबाइल एप्लीकेशन फूड की मोबाइल ऐप हम स्टार्ट से लेके एंड तक बना के देख रहे हैं, है ना। ये आपको पता होगा। और ये वाली जो ऐप है हम स्टार्ट से लेके एंड तक हम बना रहे हैं, और ये इस वीडियो का फिफ्थ पार्ट है, ठीक है। और लास्ट वाली वीडियो में हमने क्या किया था, हमने कुछ अपने कंपोनेंट बनाए थे, ठीक है, और यूजर गाइड डिफाइन की थी हमने, ठीक है ना। और हमने ये फोर मोबाइल स्क्रीन्स हमने डिजाइन करके हमने देखी थी, ठीक है। तो आज हम देख लेते हैं हम क्या करेंगे। आज हम एक ये वाली स्क्रीन डिजाइन करेंगे, ठीक है, एक ये वाली डिजाइन करेंगे, एक ये वाली और एक ये वाली। तो आज की वीडियो में हम फोर स्क्रीन डिजाइन करके देखेंगे, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए, हम यूजर गाइड में हम यूजर गाइड डिफाइन की थी, ठीक है ना, और एसेट्स में हम कंपोनेंट बना रहे हैं अपने। तो अभी तक मैंने क्या किया था, स्टेटस बार का एक कंपोनेंट डिजाइन किया था, ठीक है, और एक होम इंडिकेटर जो नीचे होता है, ये ड्रैग के लिए होता है आईफोन में, इसका एक कंपोनेंट हमने बनाया था। और टॉप नैव, ये जो हमारा टाइटल वगैरह होगा ऊपर बैक बटन के साथ, ये इसका एक कंपोनेंट हमने बनाया था, एक प्राइमरी बटन हमने बनाया था, ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं, अपनी मोबाइल स्क्रीन में चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक फ्रेम लेते हैं पहले, iPhone 13 Pro Max, ठीक है। और इसके बाद हमारी स्क्रीन में साइन इन, ठीक है, इसका नाम हम करते हैं साइन इन, ठीक है ना। इनको हम कर लेते हैं क्लोज। और इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने ये अपना जो हमने स्टेटस बार ये बनाया था, इसको ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ से सेंटर किया, इसको ऊपर कर लेते हैं। और हमने ऊपर से यहाँ पर देखो कितना गैप छोड़ा था हमने, 10 का, ठीक है। तो 10 का गैप नीचे कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको गैप कैसे देखोगे आप, आपको अपना ये जो भी ऑब्जेक्ट है इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ से देखो होल्ड प्रेस करके रखना है और बाहर होवर करना है ऐसे करके, तो दिखाएगा कि आपको ऊपर से 10 का स्पेस है, ठीक है। ओके, ये हो गया। और इसके बाद इसमें है हमारा, यहाँ पे एक हेडिंग है साइन अप, सॉरी साइन इन बनाते हैं पहले, ठीक है। पहले हम ये वाली स्क्रीन बना के देखेंगे, साइन इन, ठीक है ना, सॉरी साइन इन ये वाली, ठीक है। और तो यहाँ पर एक हेडिंग लेते हैं साइन इन, ठीक है। और इसके बाद यहां पर हमने जो अपने डिफाइन की थी यहाँ पे स्टाइल, यहां पर देखिए, तो यहां से जाके आप H1 सेलेक्ट कर लेना अपना, ठीक है। ये हमने फर्स्ट और या सेकंड वीडियो में हमने की थी स्टाइल सारी डिफाइन की थी, तो वहां से जाके आप देख लेना, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा सारी वीडियो वाला लास्ट वाली, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और इसका हमने कर दिया H1, ठीक है। और हमने एक ग्रिड का भी डिफाइन किया था, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से ऑन कर लेना इसको। ये देखो हमने एक ग्रिड बनाया था, ये भी लास्ट वाली वीडियो में, ठीक है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आपको कम समझ आएगा, तो आप लास्ट वाली वीडियो जाके जरूर देख लेना, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट होती है हाइट शो करने की, ग्रिड को कंट्रोल शिफ्ट एंड फोर प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा ग्रिड आपका, Ctrl Shift एंड 4 अगेन प्रेस करोगे तो ये चला जाएगा, देखो, ठीक है ना, ठीक है। ओके, ठीक है, तो मैंने इसको ऑन कर लिया और यहाँ से अपना ये आइटम लाइन कर लिया, ठीक है। और इसके बाद यहां से इसके बीच में हम स्पेस रख लेते हैं 40 है, हमें चाहिए 72 रख लेते हैं इसका स्पेस, 60 थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो एक आइटम से दूसरे आइटम का बीच का स्पेस कैसे देखते हैं हम, पहले आप इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, ये आपका देखिए पूरा फ्रेम सेलेक्ट हो गया। अब ओल्ट प्रेस कीजिए और यहां देखिए इसके ऊपर होवर कीजिए, देखिए होल्ड प्रेस करके रखना है, होवर करना है, तो ये दिखा रहा था देखो 72 आएगा, देखो 72 का स्पेस है इसके बीच में, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद हमारे पास क्या है, अब हमें एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, इसका हम कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा है यहाँ पर एक प्लेस होल्डर रख लेते हैं, ठीक है ना, और इसको यहाँ से फोन साइज का 16 रख लेते हैं, ठीक है ना, 16, ठीक है, ये देखो 16 ही है इसका, ठीक है, इसका 16 रख लिया हमने फॉन्ट साइज वगैरह, यहाँ से जो हमने बना रखा था उसी में से हमने चूज कर लिया इसको, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक चेक का आइकन है, तो आइकन मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो मैंने बाहर क्लिक किया यहाँ पर, और यहाँ पर हम गए प्लेस इमेज चेक, ठीक है, ये आइकन है। ये आइकन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये एक वेबसाइट है, यहाँ से आप SVG आइकन डाउनलोड कर सकते हैं कितने भी, और इसका लिंक क्या है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। देखिए जैसे चेक है,
ये देखिए आपको बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं बहुत सारे आइकन्स हैं SVG। तो मैंने इस वाले को डाउनलोड किया है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड SVG फाइल, तो SVG आइकन सारे यहीं से यूज कर लेना आप, ठीक है ना। ओके और तो इसको मैं ऐसे कंट्रोल एक्स से कट किया, ठीक है, और यहाँ पे अपना प्लेस होल्डर सेलेक्ट किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको मैं नीचे लेके आया थोड़ा, ठीक है। अब देखो मेरे को प्लेस होल्डर लेफ्ट में चाहिए और ये मेरे को राइट में चाहिए, तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया ऐड ऑटो लेआउट से, ठीक है, ऐड ऑटो लेआउट से मैं इसको कर रहा हूँ, ये हो गया, ठीक है। तो मैंने इसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, और इसका नेम कर लिया हमने इनपुट, ठीक है, सिंपल। और इसको हमें यहाँ रखा, हम यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ से हमने इसको यहाँ तक खींच लिया, ठीक है। अब ऑटो लेआउट में देखो पेरेंट है, इन दोनों का पेरेंट पे काम करता है, ठीक है। अब हमें एक इनके बीच का पहले तो स्पेस कहाँ से मैनेज होता है, यहाँ से, यहाँ से अगर हम जीरो कर दें तो इनके बीच में कोई स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है। और हम हमें क्या चाहिए, ये इधर चाहिए प्लेस होल्डर और चेक इधर चाहिए, तो आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे पैक डो रखा है, स्पेस बिटवीन कर देना इसको, ठीक है। यहाँ से स्पेस बिटवीन जैसे ही आप करोगे, ये देखो ये लेफ्ट में है, अब ये राइट में आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे जाके, यहाँ पे एक बॉर्डर है इसका और कुछ पैडिंग है टॉप और बॉटम से, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका भी मैं हाइड कर लेता हूँ ये ग्रिड, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट 4 प्रेस किया, ये हाइड हो गया, ठीक है। और यहां से पैडिंग ऐड करते हैं, देखो टॉप बॉटम से मैंने कर दी इसकी 15 कर दी सबको, देखो ये लेफ्ट राइट से, लेफ्ट राइट से मैंने कर दी 24, ठीक है, और टॉप बॉटम से कर दिया मैंने 15 या 20 कर देते हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं कितना जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से। और इसका जाके हमने बॉर्डर यहाँ पे स्ट्रोक, यहाँ से जाके स्ट्रोक ऐड कर दी जो हमने बना रखी थी, स्ट्रोक ये लाइट कर, लाइट ग्रे, ठीक है, ये देखो। और इसका यहाँ से बॉर्डर रेडियस हमने कर दिया 30, ठीक है। तो इनके बीच का स्पेस हम कर लेते हैं थोड़ा कम, ठीक है, मैंने 15 रख ली इनके बीच के पैडिंग, ठीक है, टॉप बॉटम से 15 हो गई, लेफ्ट राइट से 24 है, ठीक है, ये देखो। अब यहाँ पे देखो इसका आइकन ये ऑरेंज है, ठीक है, तो इस आइकन को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से आइकन को ओपन करना, इस आइकन को सेलेक्ट किया और यहाँ से जाके इसको यहाँ पे क्लिक कर कर और जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे जाके अपना ये कलर ऑरेंज कलर चूज कर लिया, ठीक है। ध्यान रहे आप इसका फ्रेम सेलेक्ट करना, ठीक है, अंदर से वेक्टर को मैं सेलेक्ट करके करना, ठीक है, फ्रेम से कर लेना कलर चेंज, बाहर से हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें हमारा ये तो बन गया कंपोनेंट, अब ऊपर ये लेबल भी चाहिए हमें, ठीक है, तो लेबल मैंने किया, ये तो प्लेस होल्डर हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं लेबल, ठीक है, लेबल का फॉन्ट साइज हम कर रहे हैं 12, ठीक है, और इसका कलर हम चूज कर लेते हैं यहाँ से अपना, ये लाइट टेक्स्ट है टेक्स्ट कलर 2, ये चूज किया और इसको मैंने क्या किया, राइट क्लिक करके एड ऑटो लेआउट कर दिया, क्योंकि मेरे को पैडिंग इसमें ऐड करनी है, ठीक है, यहाँ पर पैडिंग ऐड करनी थी, तो पैडिंग हम कर लेते हैं कम स्क्रीन, ठीक है, 5 यहाँ से कर लेते हैं, एक बार इसमें कलर फिल कर लेते हैं हम, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है, देखो, ठीक है। और इसकी टॉप बॉटम से पैडिंग कम करते हैं, लेफ्ट राइट से 8, ठीक है, और टॉप और बॉटम से 5 कर लेते हैं, ठीक है। और तो इसका कलर हम बैकग्राउंड कलर वाइट ही कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से हमारे इसको मैंने डिटैच कर लिया, क्योंकि हमने व्हाइट कलर डिफाइन नहीं किया था, तो व्हाइट कलर यहाँ पर है नहीं, ठीक है, तो इसको डिटैच किया और यहाँ से व्हाइट कलर फिल कर दिया, ठीक है। अभी हमारा लेवल हो गया, देखो, ठीक है, और इस लेवल का यहाँ से पैडिंग टॉप बॉटम की कमी कर लेते हैं, ठीक है, 2 कर लिया और इस लेवल को हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। आप देखो ये कितना भी लेवल, ये देखो ये व्हाइट देखो कट आ गया यहाँ पे, देख रहा है बॉर्डर आपका कट हो गया रहा है, क्योंकि इसमें व्हाइट बैकग्राउंड फिल कर दिया हमने, ठीक है ना। अब आपका लेवल कितना ही बड़ा होगा तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देखो ये व्हाइट बैकग्राउंड कट हो के आएगी, ठीक है ना, देखो इसके ऊपर रखा हुआ है कि व्हाइट बैकग्राउंड है, इसलिए मैंने इसको ऑटो लेआउट के थ्रू किया इसको, ठीक है ना, ये लेवल हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका हमें कंपोनेंट बना लेते हैं पूरे का, ठीक है, इस पर आए हम, ये हो गया हमारा लेवल, इनपुट लेबल, ठीक है, और इनपुट लेबल को मैंने जैसे इसके अंदर डालूंगा, देखो तो ऑटो लेआउट में क्या होता है, ऑटो लेआउट के अंदर डाल के सारी चीजें एक के सामने एक हो जाती हैं, ठीक है ना। तो हमें इसको क्या करना है, न्यू फीचर आया है ऑटो लेआउट का, पोजिशन एब्सोल्यूट, आप यहां पे क्लिक करके
अब इसकी पोजीशन आप कहीं भी रख सकते हो। ये लास्ट वीक जो अपडेट आए बहुत ही अच्छा अपडेट है, ठीक है ना ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट कर दी। अब देखो पोजीशन एब्सोल्यूट है और यहां पे हमने फिक्स कर दिया इसको, पर यहां फिक्स रहेगा भी, ठीक है ना। तो देखो अब ऑटो लेआउट है बट ये इसके सामने नहीं आ रहा है ना, अब क्योंकि इसकी पोजीशन हमने ऊपर स्टिकी कर दी यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको मैंने क्या किया, इसको यहां से कट किया इनपुट को, और इसको अपने हम यहाँ असेट्स में गए और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमारा एक कंपोनेंट है, ठीक है। ऑल कंपोनेंट को सेलेक्ट किया और यहाँ पेस्ट कर दिया और इसको नीचे ले आए, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां से अभी देखो ये यहां पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये वाला लेबल के साथ ये वाला। तो जैसे ही हम इसको कंपोनेंट बनाएंगे लेबल में एसेट्स में आ जाएगा हमारा, ठीक है। देखो यहां पे अभी शो नहीं हो रहा है हमारा लेबल के साथ ये जो इनपुट है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, कंपोनेंट बना देते हैं। कंपोनेंट का सिंबल क्या होता है, देखो फोर ये डायमंड्स होते हैं। अब मैं इसको कंपोनेंट बनाता हूँ, यहां से मैंने सेलेक्ट किया और यहां से कंपोनेंट बना दिया इसका, ठीक है। अभी देखो डायमंड बन गए, तो ये एक हमारा कंपोनेंट हो गया। अब इसको हम यूज कर सकते हैं कहीं भी। तो अब मैंने क्या किया, हम मोबाइल स्क्रीन में इसमें, ठीक है, और यहाँ पे आके एसेट में हम गए और ये रहा हमारा इनपुट बॉक्स, ठीक है। और इसको यहां से हमने कर दिया सेंटर और कंट्रोल शिफ्ट फोर ऑन प्रेस करके ये हमने इनपुट बॉक्स यहाँ चेक कर लिया अपना कि हमारा लाइन है प्रॉपर या नहीं, ठीक है। और ये हो गया। और इसके बाद हमारे पास है ईमेल है पहले, ठीक है, इसको इसका हम रिनेम कर लेते हैं। तो आपको क्लिक करना है, ईमेल कर दिया, ठीक है, ठीक है ना। और इसके अंदर कुछ ईमेल हम फिल कर देते हैं, जैसे है कोड डॉट 140, ठीक है। और इसका हमने डुप्लीकेट किया एक कंट्रोल डी से, ठीक है। और इसके बाद क्या है, हमारा पासवर्ड है यहाँ पे, देखिए पासवर्ड, ठीक है। ठीक है पासवर्ड है यहाँ पे, आप स्टार फिल कर देना अपना, ठीक है। कीबोर्ड में ऊपर है एट, एट जो की नंबर है आपका उसमें है, शिफ्ट के साथ आप प्रेस कर लेना इसको, ठीक है। शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो आपका स्टार आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे मेन चीज ये समझना, ठीक है, थोड़ा सा इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, आप देखो इसके लिए आपको, बहुत से लोग होते हैं इसके लिए नया कंपोनेंट बना देते हैं, ठीक है, बट ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपका इसी से काम चल जाएगा, ठीक है। तो आपको इसके मेन कंपोनेंट पे जाना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका भी क्या है, ये देखिए यहाँ पे है, ठीक है। यहीं पर आपको अपना वॉल आइकन भी एड कर देना, सेम यहीं पर। तो आपको राइट क्लिक किया, सॉरी यहाँ पर हम गए प्लेस इमेज, और हमें क्या चाहिए, आई वाली इमेज चाहिए, आई वाला आइकन चाहिए, ठीक है, हाइड वाला ये रहा। और इसको यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। और इसकी विड्थ और हाइट हम कर लेते हैं, इसकी चीज कितनी है, 24:24 है इसकी, ठीक है। तो इसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इसको यहाँ से कट किया और यहीं प्लेस होल्डर के पास आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। आपको ये प्लेस होल्डर से नीचे रखना है, ठीक है, इस वाले को देखो, एक को आपको हाइड रखना पड़ेगा, इसको हाइड कर दे, देखो ये वहां चला जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी ऑन रखो और इसका कलर हम कर लेते हैं अपना फिल वाला ऑरेंज, सॉरी यहां से करना है आपको चेंज, ठीक है, ये कर दिया हमने, ठीक है। और एक को आप हाइड कर लेना, किसी एक को यहाँ पे, किसी एक ऑन रहना चाहिए, बाकी सारे आइकन जितने भी ऐड करोगे सबको हाइड रखना है, ठीक है। ये देखो यहाँ चेक आ रहा है। अब आपको यहाँ पे आना है अपने स्क्रीन में, मोबाइल स्क्रीन में, और यहाँ पे आके इसको हाइड कर देना अपने इस वाले को, ठीक है। और प्लेस होल्डर को, सॉरी इस वाले को हमने हाइड कर दिया, इस वाले को हमने हाइड कर दिया, ठीक है। और हाइड वाले को इसको ऑन कर दिया, तो देखो ये हमारा आइकन भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप जितने भी हों, आपके जितने भी आइकन्स हों, सारे इसके कंपोनेंट जो कंपोनेंट है आपका काम किया एसेट्स में, यहाँ पे सारे आइकन ऐड कर देना और एक को ऑन रख, कोई एक ऑन रख लेना, बाकी सारों को हाइड कर देना इनको, ठीक है। चलते हैं फिर यहाँ पे बैक। तो ये देखो ये बन गया, ठीक है। और इसके बीच में स्पेस हम रखते हैं 32 का, 32 और डाउन कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद क्या है, इसके बाद है फॉरवर्ड पासवर्ड, एक टेक्स्ट है यहाँ पर, ठीक है ना।
ये टेक्स्ट मैंने राइट करके रखे हुए हैं यहाँ पर, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसका भी साइज हमने बॉडी 16 ही कर लिया, ठीक है ना, और कलर इसका हमने कर लिया यहां से ना, ये मेन कलर, और इनके बीच का स्पेस हम कर लेते हैं 8 दोनों का, ठीक है, 11, 3 अप कर लेते हैं, 3। ठीक है ना, और ठीक है ये हो गया, और एक बार इसको प्ले कर लेते हैं यहां से, इसको सिलेक्ट किया मैंने अपने फ्रेम को, यहां से प्ले कर लिया, तो ये देखो, ठीक है, लग रहा है ना, अच्छा ठीक है, और इसके बाद हमारा साइन इन का बटन, ठीक है, तो बटन तो हमने ऑलरेडी बना रखा है अपना, ठीक है, तो वहीं से हम ड्रैग कर लेते हैं, अपना एसेट्स में था बटन, लास्ट वीडियो में हमने बनाया था, और यहां पे इसको छोड़ दिया, ठीक है, और इसके और इसके बीच का स्पेस हम कर लेते हैं 32, ये देखो, ठीक है, ये हो गया, और इसका नेम है हमारा साइन इन, ठीक है, ठीक है, योगेश साइन इन, एंड इसके बाद हमारा है टैक्स है, डोंट हैव एन अकाउंट साइन इन, ठीक है, देखो ये, और तो यहीं पे इसके नीचे इसको सेलेक्ट करने के बाद साइन इन को यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, ठीक है, और यहाँ, हाँ ठीक है, ये टैक्स ऐड कर दिया, ये अपर केस हो रखा है, तो हम यहाँ पे गए और यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से स्मॉल कैप्स कर दिया, ठीक है, और ये हमारा हो रखा है, जस्ट अ सेकेंड, इसमें हमें लाइट ग्रे कलर चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे जाने के बाद सॉरी इसको हम 16 यूज कर लेते, चूज कर लेते पहले, ठीक है, ये 16 आ गया, और यहाँ पे जाके फिल में जाके फिर इसको लाइट ग्रे कर लिया, और ये साइन अप है, इसको सेट करने के बाद इसको यहाँ से डिटैच किया और अपना ये वाला कलर कर दिया, ठीक है, ये हो गया, और ये देखो, ठीक है, और इनके बीच का स्पेस कर लेते हैं हम 32, ठीक है, इसके और इसके बीच का 32 है, और इसके और इसके बीच का स्पेस 32 है, देखो 32, और यहाँ और 32 है, ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं इधर लाइन, तो ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, फेसबुक का आइकन इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ये आइकन दिख रहे हैं आपको, ठीक है, अब ये सोशल मीडिया आइकन हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ये आइकन मैंने यहीं से डाउनलोड किया हुआ, देखो सारे, देखो फेसबुक सर्च करोगे आप तो देखो यहाँ पे फेसबुक के आइकन मिल जाएंगे SVG, ठीक है, ये देखो, तो मैंने ये वाला आइकन यूज किया हुआ है, ठीक है, इसको यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, तो सारे आइकन आपको यहीं से यूज करना है, ठीक है, अगर आप कहीं और से करना चाहते हो आप कहीं और से भी कर सकते हो, ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, फूड ऐप में मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ से गया और प्लेस इमेज पे क्लिक किया और यहाँ से फेसबुक के आइकन मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, और इसके बाद इसको मैंने क्या किया, फेसबुक का कलर यहाँ से चेंज कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे जाके यहाँ पे कर दिया, ठीक है इसका, और इसमें स्ट्रोक भी ऐड कर दी, ठीक है, अब आप देखो इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक ऑटो लेआउट में ऐड कर देता हूँ, तो मैंने राइट क्लिक किया, ऐड ऑटो लेआउट, ठीक है, अब मैं इसकी हाइट विड्थ यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, तो देखो मेरे को कितनी चाहिए हाइट विड्थ, अगर मेरे को चेंज करनी है, देखो इसको विड्थ और हाइट मेरे को चेंज करनी है, तो अभी मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, ये देखिए डिसेबल आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है डिसेबल आ रहे हैं, देखो तो आपको विड्थ को हल्का सा जैसे खींचोगे इसको, वो देखो जस्ट अ सेकंड, यहाँ से आप विड्थ चेंज कर लेना इसकी थोड़ी सी, तो विड्थ आप चेंज कर पाओगे, आप ऐसी हाइट को कर लो नीचे, तो अब हाइट और विड्थ इनेबल हो गए, तो आप इसको 50 कर दो और यहाँ से 50 कर दो, ठीक है, और यहाँ से सेंटर सेंटर कर दो इसको, ठीक है, ऑटो लेआउट में कन्वर्ट किया तो सेंटर यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, और इसका बॉर्डर रेडियस यहां से कर दो आप 50, ये हो गया, ठीक है, देखो ठीक है, तो अब हम करते हैं यहां पे दूसरा आइकन यूज करते हैं हम यहां पे, हमारा कौन सा आइकन है, ट्विटर का, ठीक है, तो सेम वही मैंने किया यहां पे, ओपन कर लिया ट्विटर का आइकन, ठीक है, और जितनी हाइट विड्थ इसकी थी उतनी कर ली इसकी फ्रेम की, इसकी थी 24x24, ठीक है, तो इसको सिलेक्ट किया हमने बाहर से फ्रेम को 24x24, ठीक है, और यहीं पे ले आया हम इसको, ठीक है, और हमने सेम वही चीज करी, शिफ्ट ए प्रेस किया,
ऑटो लेआउट के लिए या एड ऑटो लेआउट भी कर सकते हो, शिफ्ट प्लस ए से भी कर सकते हो, ठीक है। ये किया और सेम वही चीज देखो, अब हाइट विड्थ मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा इसकी, तो मैंने इसको थोड़ा खींचा ऐसे करके। देखो आपको यहां से खींचना है, थोड़ा जूम करके करना है इसको, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट किया फ्रेम को, देखो विड्थ इनेबल हो गई, ऐसे इसको करो, देखो आप 50-50 कर देना इसको, ठीक है। ये हो गया, और यहां से इसको सेंटर कर देना, ठीक है। और इसका बॉर्डर रेडियस 50, ठीक है। और इसमें क्या इसका कलर क्या है, कलर कोड ये है। तो मैंने इस ऑटो लेआउट को यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके कलर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसमें स्ट्रोक ऐड कर दी, ठीक है। और ये हो गया फाइन, और इसको ये फेसबुक वाला हो गया, ट्विटर का हो गया। ठीक है, इसको कर दें ट्विटर। ठीक है, और सेम वही हमने फिर क्या करना है, हमें थर्ड वाला लेते हैं हम, ठीक है, आइकन। तो अब हम वही करते हैं, यहाँ पर हम गए और प्लेस में जाके गूगल का आइकन हमें मिल गया, ठीक है। और इसकी हम हाइट और विड्थ कर लेते हैं 24, विड्थ भी 24, हाइट भी 24, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद हमें वही करना है, यहाँ पे क्या करना है, ये गूगल हो गया सपोज, ठीक है। क्लियर करने हमने गूगल कर लिया, और राइट क्लिक करना है, एड ऑटो लेआउट करना है इसको, ठीक है। और इसका बॉर्डर रेडियस 50, ठीक है। और कलर गूगल वाला ऐड करना है, ये कलर आ गया, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके रखना और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना, और स्ट्रोक स्ट्रोक पे क्लिक किया, ये स्ट्रोक ऐड कर दी, ठीक है। और हाइट और विड्थ चेंज करनी है, आप देखो इसकी हमें वही चीज करनी पड़ेगी हमें, हमें इसको सेलेक्ट किया और इसको यहाँ खींचा, ठीक है। इसको प्रॉपरली आप यहाँ से क्लिक करके खींचना, ठीक है। देखो विड्थ इनेबल हो गई और हाइट भी इनेबल हो गई, ठीक है। तो हमें चाहिए 50-50, 50-50, ठीक है। और यहाँ से सेंटर कर दिया उसको यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास थ्री आइटम्स हैं, ठीक है। तो अब हमें हॉरिजॉन्टल अलाइन चाहिए इक्वली, ठीक है। तो मैंने राइट क्लिक किया, एड ऑटो लेआउट, ये इक्वल अलाइन आ गए, ठीक है। और ये हो गया हमारे सोशल आइकन्स, ठीक है। और इनके बीच में यहीं से स्पेस ऐड कर सकते हैं हम, 24 स्पेस ऐड कर दिया, और इनको यहां से सेंटर लाइन कर दिया, ठीक है। और इनके बीच में गैप रख लेते हैं 80 का, ठीक है। इसको आपको सेलेक्ट करना है पूरे फ्रेम को, ओल्ड प्रेस करना है, यहाँ पे 57 हो रहा है, 80 के आसपास कर लेते हैं, ठीक है। 77 थ्री डाउन कर लेते हैं, 2 3, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इनके बीच का स्पेस हम कर लेते हैं 16, ठीक है। ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया फाइन। और इसको सेंटर कर लेते हैं इसे, ठीक है ना। ओके, ठीक है, फर्स्ट स्क्रीन हमारी हो गई है। देखो इसको कंट्रोल शिफ्ट फोर करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और नीचे हमें वो चाहिए हमारा इंडिकेटर, होम इंडिकेटर, तो इसको हमें ड्रैग कर दिया, ठीक है। और यहां पर हम गए, और हमें कौन सा चाहिए, ब्लैक वाला, तो मैंने आपको बताया था कि ब्लैक वाला चाहिए, यहाँ पे जाके आप चेंज कर लेना, क्योंकि हमने इसका वेरिएंट बना रखा है। और इसको सेंटर किया मैंने, और इसको यहाँ से बॉटम से नीचे अलाइन कर दिया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी साइन इन की स्क्रीन, ठीक है। एक काम इसमें और कर लेते हैं, देखो जैसे इसके और इसके बीच में सेम स्पेस है, ठीक है, और इसके और इसके बीच में सेम स्पेस है, और यहाँ भी सेम स्पेस है, ठीक है ना, वर्टिकल स्पेस सेम है, ठीक है। तो हम इनको ऑटो लेआउट के थ्रू ऐड कर लेते हैं स्पेस, ठीक है। तो जैसे हमारा ईमेल वाला ये और ये, इन दोनों को एक में रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्पेस है, ठीक है। तो इनका एक ग्रुप बना लेते हैं, कंट्रोल जिसे ग्रुप कर लिया मैंने, और ये हो गया इनपुट फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा एक हो गया, ये दूसरा आइटम हो गया, तीसरा है चौथा, ठीक है। अब इनके बीच में हमने देखो कितना स्पेस ऐड किया है, 32 का। तो मैंने इसको देखो, अपने फर्स्ट वाले को सेलेक्ट किया, सेकंड को शिफ्ट के साथ, थर्ड को एंड फोर्थ को, इनके बीच में इक्वल स्पेस है क्योंकि, ठीक है। और राइट क्लिक किया, ऐड ऑटो लेआउट, ठीक है। और अब हम इसको कर लेते हैं ऑल फॉर्म, ठीक है। अब आप यहीं से स्पेस देखो ऐड कर सकते हो इनके बीच में, जितना भी आपको चाहिए, ठीक है, 32, ठीक है। तो ऑटो लेआउट में जैसे हमने एक और इसका डुप्लीकेट किया, हमारा पासवर्ड है, ठीक है, इसका फायदा क्या होगा ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करने का। जैसे हमारा ये है, यहाँ पर एक फॉर्म ये है, ईमेल का फॉर्म है, ठीक है,
इसका डुप्लीकेट कैमरे कंट्रोल डी से देखो, वो नीचे ही आ गया, इसके नीचे बन जाएगा, ठीक है। बस हमें इसको नीचे डाउन करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, इनपुट बॉक्स को खुद ही उसके नीचे आएगा वो, ठीक है ना। तो ये फायदा रहेगा। तो अब मैंने क्या किया, ये स्क्रीन हमारी बन गई और इसका मैंने डुप्लीकेट किया कंट्रोल डी से, ठीक है। अब हमारी स्क्रीन है साइन अप की, ठीक है, और इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे नेम है, ईमेल है, ठीक है। फर्स्ट पे हमें क्या रखना है, नेम, ठीक है, ठीक है ना, नेम, ईमेल, ठीक है, ईमेल है यहां पर हमारा, इसको स्मॉल ही कर लेते हैं, ठीक है, कॉड डॉट हनी 40@gmail.com, ठीक है, ये हो गया। और इसमें से फॉरगेट पासवर्ड ही हटा देते हैं, ठीक है, डिलीट कर दिया इसको। और ईमेल के बाद है पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तो इसका डुप्लीकेट किया मैंने, देखो अब इसको हम इससे बाहर ही निकाल लेते हैं इनपुट, ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड तो इसमें है नहीं, इसको बाहर कर लेते हैं, ठीक है, ये बाहर हमने निकाल लिया इसको, ठीक है ना। तो हमारे फर्स्ट इनपुट है, ये सेकंड हो गया, इसका डुप्लीकेट किया कंट्रोल डी से, ठीक है। देखो ऑटोमेटिकली, अगर ये ऑटो लेआउट ना होता तो आपको नीचे इनको मूव डाउन करना पड़ता, तब आप ऐड करते इसकी पोजीशन, ठीक है। तो ऑटो लेआउट से ये फायदा होगा, ठीक है। तो देखो अब हमारा थर्ड है पासवर्ड, पासवर्ड फील्ड, ठीक है, ठीक है, ये हुआ। और इसके बाद पासवर्ड है, ठीक है, ठीक है ना, और यहां पे कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद है कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तो इस इनपुट को सिलेक्ट करके इसका डुप्लीकेट किया कंट्रोल डी से, देखो ऑटोमेटिकली नीचे आ गया, ठीक है। तो ये फायदा होता है ऑटो लेआउट में काम करने का, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद यहां पे साइन अप है, बटन का नेम साइन अप, ठीक है। और इसके बाद यहां पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट साइन इन, ठीक है, टेक्स्ट मैंने कॉपी करके रखा हुआ है ताकि हम थोड़ा फास्ट काम हो जाए हमारा, ठीक है। और ये हमारा इधर आ गया, इसको भी हम इधर ही कर लेते हैं, और इसका लाइन यहाँ राइट, हमारा गलती से ये हो गया था, राइट हो गया था, तो इसको लेफ्ट ही रखते हैं, ठीक है, अपर हो गया, इसी को कॉपी कर लेते हैं, टेक्स्ट को ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है, साइन इन हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका कलर हम कर देते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके, जो हमारी थीम का कलर है यहाँ से, ओके। और इसके और इनके बीच में कितना स्पेस था, 80 का, ठीक है। तो यहाँ से और इनके बीच में 80 का स्पेस कर लेते हैं, इसके इसके बीच में, एटी फाइव, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 80 का स्पेस है, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, साइन अप था, कोड साइन अप, साइन इन, साइन अप, साइन इन, ठीक है। तो इसको भी बार प्ले करके देख लेते हैं हम, तो ये देखो कितनी नीट एंड क्लीन लग रही है ना, ठीक है। और इसमें जाके इसको हम हाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे तो नीड नहीं है इस चीज की, देखो यहाँ पे चेक चेक चाहिए हमें, तो यहाँ पे गए हम, ठीक है, और इसको हाइड कर दिया हमने और चेक को ऑन कर दिया, ठीक है। चेक वाली लेयर देखो हाइड थी, इसको हमने वो कर दिया, शो कर दिया यहाँ से, ठीक है, और उस वाले को हाइड कर दिया, देखो, ठीक है,
होप आपको समझ आ गया होगा ये। और अगर आपको इसको कुछ और कलर करना है तो ये देखो, जैसे ग्रे हो रखा है तो आप ग्रे भी कर लेना इसको, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे अभी यही कलर रखा है, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारी फॉरगॉट पासवर्ड। तो यहाँ पर मैंने इसका डुप्लीकेट किया, ये हो गया मेरी साइनअप, ठीक है। और इसका डुप्लीकेट किया और ये हो गई हमारी फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है। इसे स्क्रीन का नेम यहाँ से चेंज कर लिया, ओके। तो इसके बाद हमें देखो क्या क्या चीज़ें चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे हमें ये तो हमें नहीं चाहिए फोन भी, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। अब हमें चाहिए देखो यहाँ पे बैक बटन हम जो बनाया था ना टॉप नैव, वो हम यहाँ पे सेट में हम गए यहाँ पर और यहाँ से इसको ड्रैग कर लिया और यहाँ से कर दिया सेंटर। और यहाँ पे हमने रूलर ऐड किया, इससे अलाइन कर लिया इसको, ठीक है, ये हो गया। और इसका टाइटल क्या है, फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी किया हुआ है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसकी वीडियो भी आप देख लेना अगर आपने नहीं देख रखी है, ठीक है ना। ये हो गया और इसको कर देते हैं अप यहाँ, ठीक है। और इसके बाद क्या है हमारा, यहाँ पे एक टेक्स्ट है हमारा, इस टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया और अपना ग्रिड ऑन किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड फोर प्रेस किया, ठीक है। और इसके बाद टेक्स्ट यहाँ से लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसका लाइन रखा लेफ्ट, और इसका हमने यहाँ से कुछ नहीं ले रहे हम, ठीक है। मैंने यहाँ इसको डिटैच कर लिया, हम यहाँ पे अपना हार्ड कोड कर रहे हैं, 16 हो गया और रेगुलर कर लिया इसको, ठीक है। और हाइट इसकी कर दी हमने 150%, ठीक है, ये हो गया। और इसका कलर हमने रखा लाइट वाला, यहाँ से चूज किया कलर फिल में जाके और लाइट वाला टेक्स्ट कलर। और इसकी देखो हाइट ज़्यादा आ रही है तो यहाँ से ऑटो हाइट कर दी इसकी, सॉरी यहाँ से, ठीक है, देखो ऑटो हाइड कर दी इसकी, ठीक है, ये हो गया। और इनके बीच का हमने स्पेस रखा, थर्टी टू रख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये स्पेस आ गया, ठीक है। और इसके बाद हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे ईमेल वाला, ठीक है। तो यहां से मैंने इसको ड्रैग कर लिया, यहां पर हमारा इनपुट कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, इनपुट आ गया। और इसको यहाँ से सेंटर कर लिया मैंने, ठीक है। इनके उनके बीच में भी 32 का स्पेस कर लेते हैं, ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद है, इसमें है ईमेल, ठीक है, ठीक है, ईमेल हमने ऐड कर दी और ये तो सही है। और यहाँ पे एक बटन हमने अब ड्रैग कर लिया यहाँ पर, ठीक है, और इसको सेंटर कर दिया। और इसका नेम क्या है बटन का, यहाँ पर देखो सेंड, ठीक है, मेल पर जाएगा क्योंकि ये यहाँ हो गया सेंड, ठीक है, ये हो गया। और इसका ग्रिड हाइड कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट फोर प्रेस किया मैंने, ठीक है। और नीचे क्या है, कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड के लिए मैं आपको ये लिंक शेयर कर दूंगा, ये पब्लिकली जो है ये अवेलेबल है, यहाँ से आप कीबोर्ड वगैरह आप ले सकते हैं, ठीक है, सारे टाइप के कीबोर्ड्स हैं। तो यहाँ पे हम ईमेल का यूज़ कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमें ईमेल है, देखो ईमेल का है ना, देखो ईमेल यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कीबोर्ड यूज़ कर लेंगे, ठीक हो। तो यहाँ पे हमें ईमेल ऐड करनी है तो हम ईमेल का कीबोर्ड यूज़ कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। देखो ये है ईमेल का, ठीक है ना, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और इस कीबोर्ड को कॉपी किया मैंने कंट्रोल सी से यहाँ से, ठीक है। तो इसको हो सकता है हमें मल्टीपल स्क्रीन में यूज़ करना पड़े, तो इसका भी एक कंपोनेंट हम बना लेते हैं, ठीक है। फूड ऐप में गया मैं और यहाँ से असेट्स में गया हम, यहाँ पेस्ट कर दिया रखे इसको, देखो अभी पहले हम यहाँ पे इसकी विड्थ सेट हाइट सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, तो अपने आप यहाँ पे हम कीबोर्ड ऐड किया। तो ये कीबोर्ड आप देखोगे थोड़ा कीबोर्ड छोटा है, तो अगर आपको इसको बड़ा करना है तो आप ऐसे मत करना शिफ्ट के साथ ना, ऐसे मत करना इसको, आप यहाँ पे जाना स्केल करना इसको। स्केल में क्या है,
आपका प्रॉपर आएगा, ठीक है। और इसका ये इंडिकेटर जो हमारा था इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। ये देखो, ठीक है। और तो इस कीबोर्ड का लिंक भी मैं वहां पर ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। यहां से कीबोर्ड आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, फ्री अवेलेबल है ये, ठीक है। और इसको अब रन करते हैं हम, और ये यहां पे कह रहा है कि फॉन्ट मिसिंग कह रहा है, ठीक है। तो यहां पे आप यूज कर लो रोबोटो, इसके फॉन्ट जो थे रोबोटो नहीं थे, ठीक है। तो मैंने रोबोटो कर दिया फिलहाल, ठीक है ना। ओके, तो इसके बाद इसको चला के देखते हैं हम, रन करते हैं। ये देखो, ठीक है, लग रही है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ठीक है। तो होप ये वाली चीज भी आपको समझ आ गई होगी। और अब चलते हैं हम लास्ट स्क्रीन में, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इस स्क्रीन का डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये है, फॉरवर्ड पासवर्ड सेंट मेल, ठीक है। सो कॉपी किया नेम को, और यहां से ये हो गया। और इन सबको मैंने डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया, ठीक है, क्योंकि यहां पे बस एक आइकन है। और इस आइकन को मैंने यहां से, यहां पर गए हम, प्लेस इमेज किया, और यहां छोड़ दिया इसको, ठीक है। और इसको सेंटर कर दिया यहां से, और इसका टेक्स्ट है योर पासवर्ड हैज बीन रिसेट। और यहां पे जाके इसको हमने टेक्स्ट ले लिया एक, ठीक है। और यहां पे बीन रिसेट नीचे किया हुआ है मैंने, ठीक है, ये आ गया। और यहां से इसको सेंटर कर दिया, ठीक है, और यहां से इसको सेंटर कर दिया, और इसको हमने सेलेक्ट किया यहां से H1, और यहां से कलर इसका कर दिया हमने ये वाला, ठीक है। और इनके बीच का स्पेस कर लिया 24, ठीक है। और इसको कर दिया डिलीट, डन हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे एक बटन है डन का, और यहां से एसेट्स में हम गए, और यहां पे कर दिए, इसको सेंटर कर लिया यहां से, और इसको कर दिया डन, ठीक है। अब मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया, ठीक है, इसको 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 तीनों को, इन तीनों के बीच में इस कॉल स्पेस ऐड करना है। तो मैंने राइट क्लिक किया, ऐड ऑटो लेआउट कर दिया, इसको मैंने कर दिया ऑल कंटेंट, ठीक है। इसका लेयर का नेम रिनेम कर दिया, और यहां से इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और वर्टिकल लाइन सेंटर ही कर देते हैं, ठीक है। और इसको प्ले करके देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, होप आपको सारी स्क्रीन समझ आ गई होंगी। देखे, ठीक है, अब हमारी कितनी स्क्रीन बन गई हैं वो देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 स्क्रीन बन गई हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में काफ़ी कुछ और आपको सीखने को मिलेगा इसमें, ठीक है ना। तो देखिए, अगली स्क्रीन हम ये वाली बनाएंगे, और यहाँ से कुछ आपको इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा, और ठीक है ना, यहाँ वाली स्क्रीन से, ये देखिए, ठीक है। तो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस टाइप की वीडियो में वीक में काफ़ी वीडियोस मैं ऐड करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।